हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दो तीन दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था। वीडियो का नाम था क्रैश कोर्स ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मशीन लर्निंग। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर मशीन लर्निंग, इसको मैं दो सेशंस में कंप्लीट करूँगा। सो जो उस दिन डाला था मैंने वीडियो, दैट वॉज द फर्स्ट सेशन। और ये जो वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड सेशन ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, सो गोल सेम है, हमें प्रोबेबिलिटी सीखना है मशीन लर्निंग के लिए, सो दैट फ्यूचर में कभी भी मशीन लर्निंग में कुछ भी पढ़ते टाइम अगर आपको प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट दिखे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सो पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स कवर किए थे, लाइक जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और डीप जाएंगे और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कवर करेंगे। वी विल कवर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, विल कवर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, विल कवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम बेस थ्योरम बोलते हैं। और फिर हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, लाइक वेन डायग्राम्स क्या होते हैं या कंटिंजेंसी टेबल्स क्या होते हैं। सो ये वीडियो अगर आपने देख लिया और अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्यूचर में जब आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे होगे। ठीक है, सो या दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एक बार थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या किया और फिर मैं आपको बताता हूँ आज का हमारा प्लान ऑफ अटैक क्या है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो इन द लास्ट सेशन वी वर बेसिकली डूइंग बेसिक्स। जो भी प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स होते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, और लास्टली इवेंट्स क्या होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखा, फिर हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, और फिर हम लोग रैंडम वेरिएबल की तरफ मुड़ गए। हमने रैंडम वेरिएबल को बहुत डिटेल में पढ़ा और फिर रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, फिर हमने मीन निकालना सीखा रैंडम वेरिएबल का, और फिर हमने वेरियंस निकालना सीखा। ठीक है, तो इतना हमने अभी तक किया है। अब आज की जो क्लास है वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिक्स हमने कर लिया है, मैं आपको आज बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसमें हम लोग मेजरली तीन टाइप्स पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टाइप वुड बी आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और फिर ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम बेस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद वी वुड बी रेडी गोइंग फॉरवर्ड, जहां भी डेटा साइंस में आपको दिखाई देगा प्रोबेबिलिटी, आप काइंड ऑफ रेडी होंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्लान ऑफ अटैक फॉर टूडेज क्लास। आज की क्लास में हमें टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए ना आपको दो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दो चीज़ें काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता भी होंगी, बट एक बार प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। सो दो चीज़ें हैं, पहला है वेन डायग्राम और दूसरा है आपका कंटिंजेंसी टेबल्स, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। सो पहले एक बार हम लोग वेन डायग्राम्स डिस्कस करते हैं। सो आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा स्कूल में, आई गेस 11th क्लास में, वहाँ पर आपने वेन डायग्राम्स बनाना सीखा होगा। सो वहाँ पर आप इस तरह के डायग्राम्स बनाते थे, उसके अंदर सर्कल्स होते थे, इनको आप वेन डायग्राम बोलते हो। द गुड पार्ट इज कि वेन डायग्राम्स आर एक्चुअली क्वाइट यूजेबल इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी आप आराम से वेन डायग्राम्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जल्दी से एक क्विक रिविजन देता हूँ वेन डायग्राम्स का, सो दैट आगे तक आपको प्रॉब्लम ना हो। सो वेन डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली यू स्टार्ट विद अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, देर इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस, और इसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो और आप इसको यू से डिनोट करते हो। ठीक है, तो ये यू क्या डिनोट कर रहा है, इस यू में बेसिकली सब कुछ है। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर बोला जाए तो दिस रिप्रेजेंट्स योर सैंपल सेट।
जैसे कि अगर आप एक डाई रोल कर रहे हो जिसमें ये नंबर्स आने का प्रोबेबिलिटी है, तो इस इवेंट के लिए आपका ये बॉक्स विल रिप्रेजेंट दिस सैम्पल स्पेस। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप पी ऑफ यू निकालते हो वो हमेशा वन होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के होने का प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी वन बिकॉज दिस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ योर इवेंट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यही रोलिंग अ डाई वाला। सो रोलिंग अ डाई इज आर एक्सपेरिमेंट, और लेट्स से हमारा जो इवेंट है, लेट्स कॉल अ इवेंट ए, एंड इवेंट ए क्या है, लेट्स से गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेट्स से ये हमारा इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वेन डायग्राम में, आप सबसे पहले अपना ये बॉक्स बना लेते हो, दिस रिप्रेजेंट्स योर यूनिवर्सल सेट या फिर आपके केस में सैम्पल स्पेस, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको ये इवेंट अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पर एक सर्कल बनाते हो। ठीक है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इवेंट ए, और इस इवेंट में अब क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी ऑफ ए क्या है, तो आपको पता है कि 3 आइटम्स 3 आउटकम्स आ सकते हैं आउट ऑफ 6, तो दैट इज वाई दिस वुड बी 1/2। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी यू माइनस पी ए, दिस इज पी ए डैश, बेसिकली दिस रीजन। इस रीजन में क्या आएगा, इस रीजन में आ जाएगा 1 2 और 3, और इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये सब कुछ आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हो। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ वन इवेंट लेट्स हैव टू इवेंट्स। सो मान लो पहला इवेंट वही है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और एक और इवेंट ले लेते हैं, लेट्स से द इवेंट इज गेटिंग अ इवन नंबर मान लो। ठीक है, सो अब क्या होगा, सिंस आपके पास दो इवेंट्स हैं, तो आपका सबसे पहले आप ये बॉक्स बनाओगे, और अब इस बॉक्स के अंदर आप क्या करोगे, दो सर्कल्स बनाओगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट सर्कल एंड दिस विल बी द सेकेंड सर्कल, दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी। अब आप क्या करोगे, केयरफुली ये पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस पहले तो लिख लोगे, दिस इज द सैम्पल स्पेस। इवेंट ए में क्या क्या आएगा, इवेंट ए में आएगा आपका 4 5 एंड 6, और इवन नंबर में आएगा 2 4 और 6। सो यू कैन सी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो आप उसको यहां पे लिख सकते हो कॉमन रीजन में। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 5 एंड 6, और यहां पे आ जाएगा एक्चुअली इवन नंबर, यहाँ पे 6 भी आएगा, सॉरी 6 और 4 आएगा, यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4, 4 5 6, इवन नंबर 2 4 6, तो 4 और 6 कॉमन वाले रीजन में आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये जो रीजन है बाहर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और 3, या दिस इज योर वेन डायग्राम। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, झट से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू कैन सी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बेसिकली ये रीजन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो सिंस इसमें दो आउटकम्स गिर रहे हैं तो इट वुड बी 2/6। अगर कोई आपसे पूछ ले पी ए क्या आएगा, बेसिकली ये वाला सर्कल, तो इसमें 3 आउटकम्स हैं तो ये हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। सिमिलरली पी बी क्या होगा, ये वाला सर्कल, इसमें आपके 3 आउटकम्स हैं तो ये भी हो जाएगा 1/2। ऑब्वियसली पी बाय यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू 1 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है, दिस एंटायर रीजन विल बी पी ए यूनियन बी। ठीक है, सो आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्टली देख लो कि इसके अंदर कितने आइटम्स आ रहे हैं। सो इसके अंदर आपके 4 आइटम्स आ रहे हैं आउट ऑफ 6, तो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी
और द सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस इज कि देर इज अ फॉर्मूला जो शायद आपने पढ़ा होगा बचपन में और आपको याद भी होगा कि अगर आपको पी ए यूनियन बी निकालना है तो ये क्या होगा, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, पी ए आ रहा था 1/3, 1/3 माइनस जो भी है, मतलब आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे मैंने पूरा काफी कचड़ा मचा दिया तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, बट जो भी है ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो और आप डायरेक्टली भी देख करके निकाल सकते हो, दोनों तरीकों से ये काम हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली वो पूछ रहा है इस एरिया के बारे में, इस एरिया के बारे में, ये जो पूरा एरिया है ये क्या होगा। तो इस केस में भी यू कैन सी कि 1 और 3 ही है बस, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि 2/6 होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे निकाल लो यूनिवर्सल सेट के अंदर से, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो पी यूनिवर्सल सेट होगा 1 माइनस दिस वन वुड बी, अभी हमने निकाला था 2/3, तो इट वुड बी 1/3, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक क्विक रिविजन दे रहा हूं कि आप कैसे इवेंट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था वो बिल्कुल एज इट इज एप्लीकेबल है प्रोबेबिलिटी में, देर इज नो डिफरेंस। तो कई बार आप नोटिस करोगे गोइंग फॉरवर्ड हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दो इवेंट्स किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, उनके आउटकम्स किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, ये सब चीजों के लिए वेन डायग्राम यूज होता है। सो इन अ वे बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताना था। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी टेबल्स। सो कंटिंजेंसी टेबल्स आपने पहले भी देखे हैं जब आप डेटा एनालिसिस में काम कर रहे थे, फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। और द गुड पार्ट इज कि आप कंटिंजेंसी टेबल और वेन डायग्राम के बीच में स्विच कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन आप वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हो वो सेम इंफॉर्मेशन आप कंटिंजेंसी टेबल में दिखा सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप कंटिंजेंसी टेबल में दिखा रहे हो वो आप वेन डायग्राम में दिखा सकते हो। बट कंटिंजेंसी टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टेबल्स आप आगे गोइंग फॉरवर्ड तीनों प्रोबेबिलिटीज में यूज करोगे, यू वुड यूज इट इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक बार देख लेते हैं। सो फिर से मान लेते हैं हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो है रोलिंग अ डाई, और इवेंट ए है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, एंड इवेंट बी है आपका गेटिंग अ इवन नंबर। ये दो इवेंट्स हैं, तो इसको आप कैसे कंटिंजेंसी टेबल में डाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली आप क्या करते हो, आप दो रैंडम वेरिएबल्स ले लेते हो, वन दैट विल टैकल इवेंट ए एंड वन दैट विल टैकल इवेंट बी। आपने दो रैंडम वेरिएबल्स ले लिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से टेबल बना ले रहे हो। सो आप बोल रहे हो ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, ठीक है, और यहां पे आप बना दे रहे हो इवन नॉट इवन, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, आपको यहां पर नंबर्स फिल करने हैं, इस तरीके से आपको नंबर्स फिल करने हैं लाइक दिस। यहाँ पे आपको वो नंबर्स डालने हैं जो ग्रेटर देन 4 होंगे और इवन भी होंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 6, दो नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वो नंबर्स डालने हैं जो ग्रेटर देन 4 होंगे बट ऑड होंगे, यहाँ पे आएगा 5, मतलब एक नंबर। फिर आपको लेस देन 4 में इवन नंबर डालना है, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा तो दिस विल बी 1, और फिर आपको लेस देन 4 में नॉट इवन डालना है, मतलब ऑड डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3, तो दिस विल बी 2। एंड यू कैन सी अभी आपने जस्ट क्या किया, ये जो वेन डायग्राम आपने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये जो वेन डायग्राम आपने बनाया था इसी को आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ कंटिंजेंसी टेबल। अब ऑब्वियसली ये उतना यूजफुल नहीं लग रहा है, बट ये कई तरह के सिनेरियोज में बहुत यूजफुल हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो हमारे पास एक डेटा है,
मान लो हमारे पास ये डेटा है कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन 100 स्टूडेंट्स में से मान लो 40 स्टूडेंट्स ने सिर्फ बायो चूज किया एज देयर मेजर, 30 स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैथ्स चूज किया एज देयर मेजर, और फिर 10 स्टूडेंट्स ने बोथ चूज किया एज देयर मेजर। तो इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे कंटिंजेंसी टेबल में दिखा सकते हो? बहुत सिंपल है। फिर से आप क्या करोगे, दो रैंडम वेरिएबल्स ले लोगे, वन रिप्रेजेंटिंग मैथ्स लेने का इवेंट, सेकेंड वन रिप्रेजेंटिंग बायो लेने का इवेंट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, मैथ नॉट मैथ्स, बायो नॉट बायो। सो यू कैन सी यहां पर हमें क्या चाहिए, इन द फर्स्ट सेल वी वॉन्ट, इन द फर्स्ट सेल वी वॉन्ट ऐसे बच्चों का काउंट जो लोग मैथ्स और बायो दोनों ले रहे हैं। सो यू कैन सी इट इज दिस वन, तो आप यहाँ पे 10 डाल दोगे। फिर यहाँ पे आपको क्या डालना है, ऐसे बच्चों का नंबर जो सिर्फ बायो ले रहे हैं मैथ्स नहीं ले रहे हैं, बेसिकली ये 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ्स ले रहे हैं बायो नहीं ले रहे, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। और सिंस 100 स्टूडेंट्स हैं, ना बायो ले रहे हैं ना मैथ्स ले रहे हैं, ऐसे कितने होंगे 20, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड यू कैन सी अगेन वी आर गेटिंग अ कंटिजेंसी टेबल, दिस इज द कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। द गुड पार्ट इज, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप इसको तुरंत से वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है, आप ये बना लो, दो इवेंट्स हैं, एक बायो लेना एक मैथ्स लेना, ए मान लो मैथ्स लेना और बी मान लो बायो लेना। तो दोनों कॉमन है, मतलब दोनों लिया, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 10 लोग हैं। सिर्फ मैथ्स लिया बायो नहीं लिया, ऐसे कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। सिर्फ बायो लिया मैथ्स नहीं लिया, ऐसे कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। और बाकी ये जो बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया, जिन लोगों ने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया। सो यू कैन सी ये दोनों कंटिंजेंसी टेबल और जो वेन डायग्राम है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई नो इस पॉइंट पे मे बी अभी उतना दिमाग आपका क्लिक नहीं कर रहा होगा कि क्यों हम लोग ये वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग कंटिंजेंसी टेबल्स पढ़ रहे हैं, बट डोंट वरी, थोड़ी देर में जैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू वुड सी ये ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेगा। बट राइट नाउ जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू सम फाउंडेशन कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसको काफी यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके सो जैसा कि मैंने बोला, हमें अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज पढ़ना है और हम लोग तीन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे फोकस करेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड द गुड पार्ट इज कि आप इस कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी एक दो जगह पढ़ चुके हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, बस आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है और द डेफिनेशन सेज कि लेट्स से वी हैव टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स एंड वाई डिनोटेड एज दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स एज इन स्मॉल एक्स एंड वाई टेक्स द वैल्यू स्मॉल वाई एट द सेम टाइम। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ, सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि दो इवेंट्स का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा रैंडम वेरिएबल्स के बेसिस पे है, क्योंकि मशीन लर्निंग में आप इस तरीके से ज्यादा देखोगे, बट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बुक्स में आप इवेंट्स के बेसिस पे ये डेफिनेशन देखोगे। वहां पे ये लिखा रहता है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, यही होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ऐसा रेलेवेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो हम बहुत यूज करते हैं। सो देखो, हम लोग टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज करेंगे, टाइटैनिक डेटा सेट यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। सो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, वी हैव टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्लास ऑफ द पैसेंजर। सो आपको टाइटैनिक डेटा सेट याद होगा, उसमें पी क्लास था, पी क्लास वन था, पी क्लास टू था, पी क्लास थ्री था,
ठीक है, तो अब x जो है वो p क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पैसेंजर आपने निकाला। ठीक है, फिर हमारे पास एक और रैंडम वेरिएबल है जिसको हम y बुला रहे हैं, और y रिप्रेजेंट्स सर्वाइवल स्टेटस ऑफ द पैसेंजर, तो पैसेंजर या तो बचा होगा या तो मर गया होगा, तो गोइंग बाय दैट लॉजिक यहाँ पे या तो 0 है या तो 1 है, इसका मतलब y कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 0 और y कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने टाइटैनिक वाले डेटा सेट के ऊपर एक कंटिंजेंसी टेबल बना लिया, कंटिंजेंसी टेबल बना लिया। कैसे बनाते हैं ये कोड आपको पहले से पता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया मैंने, मैंने डेटा को इम्पोर्ट किया और उसके बाद pd डॉट क्रॉस टैब फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर मैंने अपने दोनों कॉलम्स का नाम पास कर दिया, एंड यू कैन सी हमारे पास ये कंटिंजेंसी टेबल बन गया। दिस इज द कंटिंजेंसी टेबल। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये मेरा x है और ये मेरा y है। ठीक है, एंड दिस इज द टेबल विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि x का वैल्यू 1 हो, y का वैल्यू 0 हो, विच इज दिस वन। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है, x का वैल्यू 2 हो, y का वैल्यू अभी भी 1 हो, दिस वन। x का वैल्यू 3 हो, y का वैल्यू अभी भी 1 हो, दिस वन, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने सारी पॉसिबिलिटीज इस कंटिंजेंसी टेबल में डाल दी। ठीक है, अब अगर आप सिंपल टर्म्स में रीड करो तो ये कंटिंजेंसी टेबल क्या बता रहा है, ये नंबर क्या बता रहा है, ये जो नंबर है ये 80 क्या बता रहा है कि हमारे पास 80 पैसेंजर्स थे पी क्लास 1 में जो मर गए। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे पास 87 पैसेंजर्स थे पी क्लास 2 में जो बच गए। तो ये सब आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली दो इवेंट्स का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी। तो मैं लेट्स से अगर आपसे ये पूछ लूं कि बताओ बताओ कि एक्स 1 हो एंड एंड लिखना गलत हो जाएगा, एक्चुअली एंड नहीं होगा, एक्स 1 हो एंड वाई 0 हो, इस चीज का प्रोबेबिलिटी क्या है आपके डेटा में, तो आप कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है, आप कंटिंजेंसी टेबल बनाओगे, कंटिंजेंसी टेबल में दिस इज दैट सेल विच रिप्रेजेंट्स दिस सिनेरियो, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 0 है, राइट, बट दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज द काउंट। ये बता क्या रहा है कि देर आर 80 पैसेंजर्स जो इस सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं कि वो पी क्लास 1 में है और वो मर गए, राइट, बट दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इस नंबर को, इस 80 को यू विल डिवाइड बाय 891। 891 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। सो आपने 80 को डिवाइड कर दिया 891 से, और आपको क्या मिल गया, आपको ये नंबर मिल गया, और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने अभी आपको लिख के बताया कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैसेंजर इज इन पी क्लास 1 एंड साइमल्टेनियसली ही इज डेड, दोनों चीजें साथ में हुई। ठीक है, सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है कि पैसेंजर पी क्लास 3 में था और मर गया, दोनों का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी। तो हमने इसको कैसे निकाला, 372 को लिया और उसको डिवाइड कर दिया 891 से। सो बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, ये जो 6 नंबर्स थे इन सारे नंबर्स को हमने 891 से डिवाइड कर दिया और हमें ये 6 प्रोबेबिलिटीज मिल गई, और ये 6 प्रोबेबिलिटीज ही हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो यही होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जहां पे आप एक से ज्यादा इवेंट्स को लेते हो और उनका साथ में होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो, दैट्स इट। तो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, आप कंटिंजेंसी टेबल लेते हो और उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर से, और ये कोड में आप कैसे करते हो, बहुत ही सिंपल है, कोड में आपको बस इतना करना होता है कि यहाँ पे नॉर्मलाइज बोल करके एक पैरामीटर होता है, उस नॉर्मलाइज में आपको इक्वल टू ऑल कर देना है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा। ये मार्जिन्स वाला कोड मैं हटा देता हूँ, दिस इज द आउटपुट, देखो कुछ नहीं हुआ,
इस 80 को आप जैसे ही 891 से डिवाइड करोगे, यू वुड गेट द सेम नंबर जो मैंने आपको अभी दिखाया. ये नंबर सेम है. ठीक है, इस तरीके से आप सारे नंबर्स को जब 891 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें एक चीज और देख लो. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आप अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो. सो यू कैन सी यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया. और जब आप इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे, यू वुड ऑलवेज गेट वन. एंड दैट इज वाई दिस इज नोन एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बार क्लियर कर लेते हैं. सो यहां पर जो इंडिविजुअल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई भी एक नंबर, उसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी बुलाएंगे. ठीक है, और ये सारे के सारे नंबर्स को साथ में जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बुलाएंगे. ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप अपने रैंडम वेरिएबल के सारे पॉसिबल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी निकालते हो. याद है मैंने क्या बोला था, जब आपने एक रो डाई रोल किया तो वन के आने का प्रोबेबिलिटी, टू के आने का प्रोबेबिलिटी, ऐसे कर करके सिक्स के आने का प्रोबेबिलिटी, आपने ये पूरा का पूरा जब टेबल बनाया था तो आप इस टेबल को क्या बुला रहे थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर रैंडम वेरिएबल. तो गोइंग बाय द सेम लॉजिक, यहां पर आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स वन हो वाई जीरो हो. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स टू हो वाई जीरो हो. इस तरीके से छह पॉसिबिलिटीज है, एक्स थ्री हो वाई वन हो. तो इन सारी पॉसिबिलिटीज का जब आप प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे तो उन सारी प्रोबेबिलिटीज को आप मिला करके क्या बुलाते हो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपने कई बार देखा भी है पास्ट में. हम लोगों ने जो फीचर सिलेक्शन पढ़ा था वहां पे हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने शायद काई स्क्वायर टेस्ट भी जो पढ़ा था वहां पे भी हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी, और भी शायद एक दो जगह पे हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद रखना है कि जब भी आप दो इवेंट्स का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो उसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, सो नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग बुलाते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. कुछ जगहों पे आप इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो और कुछ जगहों पे आप इसको अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो. ये तीनों नाम इसी के हैं, मार्जिनल, सिंपल या अनकंडीशनल, तीनों इसी का नाम है. ठीक है, चलो एक बार देखते हैं मार्जिनल क्या होता है. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग ई रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ सम अदर इवेंट. सिंपल है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या था, दो इवेंट्स का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हो और आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि कोई और इवेंट भी साथ में हो रहा है. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एंड दैट इज वाई इसको अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, बिकॉज आप किसी भी कंडीशन पे रिलाई नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो मुझे बस अपने इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए. ठीक है, सो व्हेन डीलिंग विद रैंडम वेरिएबल्स द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल्स. अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक बार आपको फिर से सेम एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. सो यू कैन सी फिर से हम लोग सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स रिप्रेजेंट्स पी क्लास एंड वाई रिप्रेजेंट्स सर्वाइवल. ठीक है, सेम एग्जाम्पल है. एंड यू कैन सी इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इस टेबल को उठाया, इसी टेबल को उठाया जहां पे मैंने काउंट निकाल लिया था कि वन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स कितने हैं जो मर गए, वन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स कितने हैं जो बच गए. इस तरह से जो मैंने कंटिंजेंसी टेबल बनाया था, मैंने सेम टेबल बनाया, बस इस बार आप नोटिस करोगे कि मैंने थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड किया है. सो बेसिकली मैंने मार्जिन्स ऐड कर दिए. सो ये 549 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लोग टोटल मर गए इरिस्पेक्टिव ऑफ
वो पी क्लास वन में ट्रैवल कर रहे थे, टू में कर रहे थे या थ्री में कर रहे थे। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 342, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लोग बच गए इरेस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, वन में कर रहे थे, टू में कर रहे थे या थ्री में कर रहे थे। सिमिलरली अगर आप इस नंबर को देखो, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लोग वन में ट्रैवल कर रहे थे इरेस्पेक्टिव ऑफ वो बचे या मर गए। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लोग टू में ट्रैवल कर रहे थे इरेस्पेक्टिव ऑफ बचे या मर गए। और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो पैसेंजर्स थ्री में ट्रैवल कर रहे थे इरेस्पेक्टिव ऑफ वो बचे या मर गए। ठीक है, अब इस पूरे टेबल का सिमेट्री इतना बढ़िया है कि जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा, और जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। इस तरीके से नंबर आके दिखेंगे आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपली ये जो पांच नंबर्स मैंने दिखाए जिनको हम मार्जिन्स बोलते हैं, अगर आप इन नंबर्स को 891 से डिवाइड कर दो, इनफैक्ट इस 891 को भी डिवाइड कर दो, इन सभी को अगर आप 891 से डिवाइड कर दो विच इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो यू कैन सी हमने क्या कर दिया, इन नंबर्स को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, इन नंबर्स को हमने प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं इन्हीं को हम बुलाते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। इनको रीड कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.61, 0.61 रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स हु हैव डाइड, सो 61% पैसेंजर्स मर गए। ये प्रोबेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु सर्वाइव्ड, जो बच गए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो वन में ट्रैवल कर रहे थे, टू में कर रहे थे या थ्री में कर रहे थे। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन पी क्लास वन इरिस्पेक्टिव ऑफ वो मर गए या बच गए। ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन पी क्लास टू, और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन पी क्लास थ्री। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जहां पर आप एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल, आप बेसिकली ये निकाल रहे हो एक्स का होने का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वाई का कुछ भी वैल्यू हो आपको फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आप वाई के होने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, एक्स कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ सम अदर इवेंट। इट डज नॉट मैटर कि वन में मरा, टू में मरा या थ्री में मरा, मरने का प्रोबेबिलिटी 0.61 है, एंड दिस इज वॉट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज। ठीक है, और इसीलिए इसको अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, बिकॉज सामने वाले इवेंट को हम लोग कुछ भी भाव नहीं दे रहे। ठीक है, अब यहां पर भी आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी कब आता है, जब आप किसी रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई आउट करते हो। सो जब आप मान लो इसको आप वाई बुला रहे हो, इसको आप एक्स बुला रहे हो, तो वाई में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वाई या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो आपने पी वाई इक्वल टू जीरो निकाला और वो क्या था, ये नंबर 0.61, और आपने पी वाई इक्वल टू वन निकाला वो क्या आ रहा है 0.38। तो ये जो आपने निकाला इसको आप बुला सकते हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, और ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको वन मिलेगा। सिमिलरली आप एक्स का वैल्यू वन लेके निकाल रहे हो तो आपको 0.24 मिल रहा है, विच इज दिस नंबर। फिर एक्स का वैल्यू टू लेके निकाल रहे हो तो आपको ये मिल रहा है, और x का वैल्यू 3 लेके निकाल रहे हो तो आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आपने यहां पर x की सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो यहां पर आप इसको बुलाओगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और इन तीनों को भी जब आप जोड़ोगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, दोनों काइंड ऑफ रिलेटेड है, कई बार आप उनको साथ में यूज भी करोगे। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इसको पैंडास में कैसे निकालते हो,
बहुत सिंपल है, आपको बस ये करना होता है, ये मार्जिन इक्वल टू ट्रू ऐड कर देना होता है। जैसे आप मार्जिन इक्वल टू ट्रू ऐड करोगे, यू विल गेट दिस, ये देखो दिस इज द आउटपुट, ठीक है, दिस इज द आउटपुट। और एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको यहां पे दिखा रखी है, ये चीज और ये चीज, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पीडी डॉट क्रॉस टैब में नॉर्मलाइज इक्वल टू ऑल करोगे तो कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और जैसे आप मार्जिन इक्वल टू ट्रू भी कर दोगे, दोनों चीजें कर दोगे, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका दोनों चीजें, जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी और आपको आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो या ये दोनों साथ साथ चलती हैं एनालिसिस के टाइम, ये आपको हमेशा सामने रखना होता है, ठीक है। तो या दिस वॉज द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमें आज पढ़नी थी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने जो दो प्रोबेबिलिटीज पढ़ी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को यूज भी करता है, ठीक है। तो द थर्ड प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही लॉजिकल सी चीज है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट कंफ्यूजन ना रहे, और टाइटैनिक वाला एग्जाम्पल के ऊपर भी चला के देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार पहले पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि दोनों इवेंट साथ में नहीं हो रहे होते। मान लो आपके पास दो इवेंट्स हैं, ए और बी, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा था कि ये दोनों साथ में हो रहे थे, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि बी पहले से हो चुका है और उसके हो जाने से ए की प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, इसी को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ये बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको रीड कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी हो चुका है, अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ए हो चुका है तो अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, डिफिकल्ट एग्जांपल्स देखते हैं, सो दैट समझ में आए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो तीन क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दैट देर आर थ्री अनबायस्ड कॉइन्स, और तीनों को टॉस किया गया, ठीक है। सो वॉट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू कॉइन्स शो हेड्स गिवन दैट एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको सबसे पहले अपना सैम्पल स्पेस लिख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तीन कॉइन्स टॉस किए जा रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस होगा कि तीनों हेड आ जाए, या फिर दो हेड टेल आए, या फिर इस तरीके से आए, ये चार हो गए। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल। मान लो ये आपका सैंपल स्पेस है, इसमें एट पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अब एक बार रीड करते हैं कि आपका दोनों इवेंट्स क्या है, हमेशा दो इवेंट्स होंगे। तो इवेंट ए क्या है कि यू हैव टू गेट एटलीस्ट टू हेड्स, दिस इज इवेंट ए। और इवेंट बी क्या है कि एटलीस्ट वन हेड हो, ठीक है। अब हमेशा क्या होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि बी पहले से हो चुका होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको ए का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने सैंपल स्पेस को छोटा बना लेंगे,
बी के बेसिस पे. सो अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो ऑब्वियसली इसमें से कौन से आउटकम्स पॉसिबल नहीं है वो देखते हैं. बी क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, तो कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल नहीं है. बहुत सिंपल है, जहां भी हेड नहीं है एक भी, वो आउटकम पॉसिबल नहीं है, विच इज बेसिकली दिस वन. इसमें तीनों टेल्स हैं, ये आउटकम पॉसिबल ही नहीं है. बाकी सभी में आप नोटिस करोगे एटलीस्ट एक हेड है. तो अब जो मेरा सैंपल स्पेस बचा उसमें एट आउटकम्स नहीं है, उसमें सेवन आउटकम्स है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए का होने का प्रोबेबिलिटी इन सेवन के अंदर से ही आएगा, एट के अंदर से नहीं आएगा, सेवन के अंदर से आएगा. ठीक है, अब देखो बाकी जो सेवन बचे हैं उसमें हमें क्या निकालना है, हमें वो आउटकम्स निकालने हैं जहां पर एटलीस्ट दो हेड्स हो. देखो कहां कहां पर ऐसा हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, और यहां पर हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है. सो बेसिकली देर आर फोर केसेस वेयर ए इज हैपनिंग गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड. तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी 4/7. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं. यहां पर देखो, टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड. वॉट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर रोल्ड इज सेवन गिवेन द फर्स्ट डाइस शोज एन ऑड नंबर. ठीक है, दो डाइस साथ में रोल किया और उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है. तो मैंने हमेशा क्या बोला आपको, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड ड्रॉ द सैम्पल स्पेस. तो मैंने ऑलरेडी सैम्पल स्पेस इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिया. यू कैन सी दिस इज डाई वन एंड दिस इज डाई टू. ठीक है, सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू डाई का फेस वैल्यू हमने सारा सम लिख रखा है. जब दोनों में वन आएगा तो सम टू होगा, इसमें वन आएगा इसमें टू आएगा तो सम थ्री होगा, इसमें वन इसमें थ्री आएगा तो फोर होगा. इस तरीके से मैंने अपने सारे 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने इवेंट्स लिखने हैं. तो पहला इवेंट क्या बोल रहा है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज, दोनों डाइस में जो नंबर आ रहा है उसका सम सेवन हो. दिस इज इवेंट ए. और इवेंट बी क्या है कि फर्स्ट डाई जो है डाई वन उस पे एक ऑड नंबर हो, उस पे एक ऑड नंबर हो. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें फिर से सेम काम करना है. पहले हमें बी चला के देखना है. सो डाई वन में ऑड हो ऐसा कहां कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, और यहां पर हो रहा है. ये हम नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते, और ये हम नहीं ले सकते बिकॉज दीज आर ऑड नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स. तो बेसिकली हमारे पास ये सेल, ये सारे सेल और ये सारे सेल ही अवेलेबल है. सो बेसिकली हमारे पास आउट ऑफ 36 पॉसिबल आउटकम्स ओनली 18 आर एलिजिबल. 18 ही तो बचे, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इन 18 सेल्स में ही हम खोजेंगे. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम इन 18 सेल्स में घूमेंगे और देखेंगे कितनों में 7 आ रहा है. सो यू कैन सी यहां पर एक 7 आ रहा है, यहां पर एक 7 आ रहा है, और यहां पर एक 7 आ रहा है. सो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 3/18 और 1/6. दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, सिमिलर है. सो यहां पर देखो, टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड और D1 और D2 है, जैसे यहां पर हमने लिया, सेम ही चीज है, सेम सेटअप है. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट D1 इक्वल्स टू गिवन दैट द सम ऑफ D1 एंड D2 इज लेस देन और इक्वल टू 5. एक बार एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सैंपल स्पेस बना लेंगे, ऑलरेडी बन गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा इवेंट ए लिखेंगे. हमारा इवेंट ए क्या है कि डाइस वन के ऊपर टू आ रहा हो. दिस इज डाइस वन एंड दिस इज डाइस टू. ठीक है, और इवेंट बी क्या बोलता है कि D1 प्लस D2 का जो सम है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना है, हमें पहले
बी चला के देखना है कि इवेंट बी हो चुका है, तो आउट ऑफ 36 हमें देखना है कि कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जहां पे दोनों का सम इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यू कैन सी यहां पर है, 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 यहां पर, यहां पर और यहां पर, बाकी सभी में आप देखो सम इज ग्रेटर देन 5, तो हम उसको नहीं ले सकते। तो बेसिकली अगर आप काउंट करो तो 4, 3, 7 और 3, 10, तो हमारे पास टोटल अब 10 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं जहां पर ए हो सकता है। ठीक है, अब हम इनमें खोजेंगे कि ए कहां पर आएगा। तो ए क्या है कि D1 2 हो, तो यू कैन सी कि सिर्फ यही 3 आउटकम्स हैं जहां पे D1 का वैल्यू 2 है, बाकी सभी में D1 का वैल्यू या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 4 है, तो हम उनको नहीं ले सकते। तो द आंसर वुड बी 3/10, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हो, इवेंट बी के हिसाब से सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर देते हो, और फिर उस रिड्यूस सैंपल स्पेस में आप ए को खोजते हो कि ए कहां पर पॉसिबल है, और फिर जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है वही आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये मैनुअल तरीका है, और हर तरीके से मतलब हर तरीके की प्रॉब्लम में आपको ये तरीका हेल्प नहीं करेगा, बेसिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक और तरीका क्या है कि देर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, देर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और वो बहुत फेमस फॉर्मूला है। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट ए गिवन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब अगर आपको पिछला दो कॉन्सेप्ट याद होगा तो इसको आप एक्चुअली बुला सकते हो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सोच के देखो ए और बी साथ में हो रहे हैं तो उसको आप क्या बुला सकते हो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और इसको आप क्या बुला सकते हो, इसको आप बुला सकते हो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो आप कैसे निकालते हो, बाय डिवाइडिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बाय द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो एक काम करते हैं, फिर से टाइटैनिक वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं और वहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट से आपको कोई ये कंटिंजेंसी टेबल दिखा दे और आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसको हम एक्स बुला रहे हैं, इसको हम वाई बुला रहे हैं। तो लेट से कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0 गिवेन एक्स इज इक्वल टू 3, ये निकालना है, समझ रहे हो क्या निकालना है हमें, हमें ये निकालना है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कोई अगर पी क्लास 3 में ट्रैवल कर रहा है तो उसके मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है। राइट, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई अगर पी क्लास 3 में ट्रैवल कर रहा है तो उसके मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यही मतलब है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले निकालने के लिए तो फिर आप इसको ऊपर वाले तरीके से मैन्युअली नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास बड़ा डेटा सेट है, बट आप ये फॉर्मूले के थ्रू आसानी से कर सकते हो। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यही तो निकालना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 3 नहीं लोगे आप, एक्चुअली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पूरा लोगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगा यहाँ पे, मतलब 1 2 3 तीनों ले लोगे। सो बेसिकली आप क्या करोगे, आपका ये आ जाएगा सबसे पहले तो
आप इसको डिवाइड करोगे 891 से एंड दिस विल गिव यू द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 3। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, बेसिकली ये नंबर आ जाएगा, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ। आप ये नंबर लोगे 0.41। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आ जाएगा 0.41, जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे दिस वुड बी 0.41। और फिर आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है एक्स की प्रोबेबिलिटी से। सो बेसिकली आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, सो दिस विल गिव यू 0.54। और जब आप ये डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगा 0.41 डिवाइडेड बाय 0.54। जस्ट वन सेकेंड, 0.41 डिवाइडेड बाय 0.54, दिस इज द आउटपुट, 0.75 आएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ पी क्लास 3 में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द आंसर, 75% चांस है कि आप मर जाओगे। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ पी क्लास 2 में मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे, ये दीज आर ऑल जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, सॉरी दैट इज वाई आई गॉट कंफ्यूज, दीज आर ऑल जॉइंट प्रोबेबिलिटीज गाइस। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दीज आर ऑल जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, आई कैन डायरेक्टली यूज देम। सो बेसिकली आप 0.10 निकालोगे, 0.10 इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और फिर मार्जिनल निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो दिस वुड बी 0.19। सो अगर आप देख लो तो फिर से डिवाइड करके आपको मिलेगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.19, 52% या 0.52। ये आपका पी क्लास 2 में मरने का प्रोबेबिलिटी, अगर आप पी क्लास 2 में ट्रैवल कर रहे हो तो मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है। और सिमिलरली अगर कोई पूछ ले कि 1 में क्या है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को लोगे और इन दोनों के सम से डिवाइड कर दोगे, तो दिस वुड बी 0.08 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ोगे तो इट वुड बी 0.23, तो दिस शुड बी 0.08 डिवाइडेड बाय 0.23, 34%, 0.34। सो यू कैन सी पी क्लास 3 में 75%, पी क्लास 2 में 52, और पी क्लास 1 में 34%। ठीक है, और अगर आपको पाइथन के थ्रू ये काम करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा एक कोड है, आपको बस ये करना होता है। देखो यहाँ पे आपको बस नॉर्मलाइज, जहां पे आपने ऊपर ऑल किया था, ऑल करने से आपको क्या मिला था, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, अगर आप इसको कॉलम कर दोगे तो आपको आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। यू कैन सी 75, 52, 37 आ रहा है, कुछ गलती की थी हमने शायद, एक बार फिर से डिवाइड कर लेंगे जो भी है, बट या ये आ गया आपका, दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ये नंबर क्या बता रहा है, ये नंबर क्या बता रहा है, ये नंबर बता रहा है कि अगर आप पी क्लास 3 में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके बचने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर आप पी क्लास 2 में ट्रैवल कर रहे हो तो बचने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप पी क्लास 1 में ट्रैवल कर रहे हो तो बचने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका ठीक उल्टा भी आप कर सकते हो, सोच के देखो, अगर आप यहां पर कॉलम्स के बदले इंडेक्स कर दो, कॉलम्स के बदले इंडेक्स कर दो, तो आपको अलग चीज दिखाई देगी। बाय द वे एक चीज आप नोटिस करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, उस बार उल्टा हो गया, यहाँ पे 0.67 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लोग मरे उनका 3 में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। उल्टा है ये, इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, इस बार हम ये निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 गिवेन वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हम ये पहले से देख चुके हैं कि पैसेंजर मर चुका है, अब उसका 3 में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द रिवर्स, दिस इज द रिवर्स, एंड दैट इज वाई जब आप इन तीनों को जोड़ोगे
आपको वन मिलेगा। सिमिलरली जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको वन मिलेगा, ठीक है। ठीक उल्टा हो गया ये, ठीक उल्टा हो गया, ठीक है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे हमने इंडेक्स प्लेस किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो आउट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स हु हैव डाइड, 67% 3 में गए, 17% 2 में गए एंड 14% 1 में गए, ठीक है। तो बेसिकली दिस पीडी डॉट क्रॉस टैब फंक्शन इज अ वेरी वेरी स्पेशल फंक्शन, बिकॉज ये आपको तीनों तरह की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दे सकता है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप नॉर्मलाइज इक्वल टू ऑल करोगे तो आपको सारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। अगर आप साथ में मार्जिन ट्रू कर दोगे तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटीज भी मिलेंगी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज भी मिलेंगी। अगर आप नॉर्मलाइज इक्वल टू कॉलम्स कर दोगे तो आपको कॉलम्स के हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर आप नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स कर दोगे तो आपको रोज के हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। बट या दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट हो चुका है, उसके होने से किसी दूसरे इवेंट पे क्या फर्क पड़ता है, इसी को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं। देखो, सो अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो रिलेशन है ये बाय डेफिनेशन आता है, कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है, डेफिनेशन से ये फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है। तो यहां पर बस एक मैंने छोटा सा नोट ऐड कर रखा है, पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा, इंट्यूशन बिहाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर आपको बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सो द इंट्यूशन बिहाइंड द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग आवर सैंपल स्पेस। सो अगर आपको याद होगा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे थे, बी वाले इवेंट के बेसिस पे अपने सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दे रहे थे, राइट right? उसी पे बेस्ड है फॉर्मूला। सो यू कैन सी द डिनोमिनेटर पी बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग, दिस इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हेन वी से वी वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, वी आर इफेक्टिवली सेइंग दैट बी हैज अकर्ड एंड देयरफॉर बी इज आवर न्यू यूनिवर्स और सैंपल स्पेस। समझ रहे हो ये बात? अगर बी पहले से हो चुका है तो अब हमारा सैंपल स्पेस पुराना वाला नहीं रहा, वो बी के हिसाब से जो होगा वही माना जाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग केसेस व्हेन बी डिडंट अकर एनी मोर, हम उन केसेस को ले ही नहीं रहे हैं जहां पर बी हुआ ही नहीं, ठीक है। एंड वी आर नॉर्मलाइजिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दैट इज वाई वॉट वी आर डूइंग इज वी आर नॉर्मलाइजिंग, वी आर डिवाइडिंग बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। द न्यूमरेटर पी ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, वो क्या बता रहा है कि इट इज इन आर न्यू यूनिवर्स, दिस इज वेयर बी हैज अकर्ड एंड पी ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स द केसेस वेयर ए ऑल्सो अकर्स, राइट। सो हमारा जो रिड्यूस सैंपल स्पेस है उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या बता रहा है कि वहां पर ए भी हुआ है और बी भी हुआ है। समझना इस बात को, पहले हमने मान लिया कि बी हो चुका है, तो जैसे ही बी हो चुका है अब हमारा सैंपल स्पेस जो पहले था वो नहीं है, हमारा सैंपल स्पेस बी के हिसाब से है, और उसमें भी ए यूनियन बी क्या बता रहा है, वो आउटकम्स जहां पर ए भी हुआ है और बी भी हुआ है, राइट। तो जैसे ही आप डिवाइड मार रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि ए का होने का जो प्रपोर्शन है विथ रिस्पेक्ट टू बी वो निकाल रहे हो, एंड दैट इज वॉट दिस फॉर्मूला सेज। दिस फॉर्मूला सिंपली गिव्स यू द प्रपोर्शन कि बी के यूनिवर्स में ए कितनी बार हुआ है, यही इसका मतलब है, यही हमारा डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फिर से सुन लो, बी के यूनिवर्स में, मतलब अब जब आपका सैंपल स्पेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू बी, उस बी के यूनिवर्स में ए कितनी बार हुआ है, वही प्रपोर्शन आपको ये निकाल के दे रहा है, एंड दैट इज वाई दिस फॉर्मूला इज देयर, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के सोचोगे, कॉपी पेन लेके ड्रॉ करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या कोई डेरिवेशन है या कुछ और तरीके से निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ फॉर्मूला जो सीधे डेफिनेशन से निकल के आया है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डेरिवेशन करने को नहीं मिलेगा, इट इज वेरी वेरी ऑन स्पॉट, जो डेफिनेशन था उसी को फॉर्मूले में लिख दिया, ठीक है। तो एक बार बैठ के देख लेना,
आफ्टर द क्लास यू वुड अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. सिंस बी हैज अकर्ड द सैम्पल स्पेस हैज रिड्यूस्ड द यूनिवर्स इज बी. उस बी में अब ए जहां पे हो रहा है हम वो प्रपोर्शन कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दैट प्रपोर्शन इज गिविंग मी पी ए गिवन बी. दैट्स इट. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है चलो अब एक इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ये हमने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था जहां पर हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ा था यहां पर, बट मैंने यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था. मैंने आपको बोला था कि हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डिस्कस कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहे, क्योंकि अभी कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे. सो इट्स गुड कि आपको क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट्स वेयर द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ एनदर. सिंपल सी बात है, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब हुए जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स हो गए कि आप एक साथ एक कॉइन उछाल रहे हो और एक डाई रोल कर रहे हो, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ अगर कॉइन में हेड आया तो डाई में थ्री आने का प्रोबेबिलिटी क्या है. ऑब्वियस बात है कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो भले ही कॉइन में हेड आए या टेल आए, डाई में थ्री आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/6 ही होगा. राइट, सही बात है ना, सिंपल सी बात है. सो दूसरा एग्जाम्पल हो गया ड्रॉइंग अ कार्ड विथ रिप्लेसमेंट. अगर आप कार्ड निकाल करके वापस रख दे रहे हो तो फिर अगला कार्ड जो निकाल रहे हो, तो ये जो दो इवेंट्स हैं ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. खुद सोच के देखो ना, जैसे कि मान लो आपने एक इक्का निकाला एस, जो कि शायद चार ही होता है. मेरा थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट वीक है बट मुझे लगता है चार ही होता है. सो आपने पहली बार अगर इक्का निकालने की कोशिश की तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/52. राइट, बट आपने उस कार्ड को निकाल के वापस रख दिया, अब दोबारा निकाल रहे हो तो दोबारा इक्का निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 4/52, बिकॉज उतने ही कार्ड्स हैं पैक के अंदर. तो दीज आर सम एग्जांपल्स विच आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जहां पर एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, या फिर इसका उल्टा अगर आप करोगे, बी गिवन ए, तो ये हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा. ठीक है, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट दिस. ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है आपको. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और रादर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो दैट इज वाई जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हो, जो कि आपको ये बोलता है कि दिस इज द फॉर्मूला, तो आप बेसिकली इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सिंपल है ना, सामने सामने दिख रहा है और लॉजिकल भी है ना, कि बी के हो जाने से ए पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है. ठीक है, तो ये आपको बस ये तीन रिलेशनशिप्स आपको याद रखनी है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. पहला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है, विच इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज पीए और पीबी. दैट्स इट, आपको बस इतना याद रखना है. ये रिलेशनशिप्स अगर आपको याद रहेंगे आप गलती नहीं करोगे. ठीक है, इसका ठीक उल्टा मैंने बता दिया यहाँ पे. डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट्स वेयर द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ एनदर. अरे
सॉरी मैंने सेम ही डेफिनेशन कॉपी कर दिया, यहाँ पर अफेक्ट होना चाहिए, सो आई वुड जस्ट, ओ सॉरी सही है सही है, डज नॉट मुझे लगा, जहां पर अफेक्ट करता है एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़ता है, तो अभी तक जो भी फॉर्मूलेज आप पढ़ रहे थे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, सो बेसिकली दिस विल बी द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, इसका स्पेशल टाइप हो गया इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, बट या डिपेंडेंट में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ड्रॉइंग अ कार्ड विथ रिप्लेसमेंट, मान लो आप पहली बार एक इक्का निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/52, अब आपने इक्का निकाल के वापस डाला नहीं, तो अब आपके पास 52 के बदले 51 कार्ड्स ही बचे, तो अब इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/51, फर्क पड़ रहा है, तो दिस इज डिपेंडेंट इवेंट्स, जब एक के होने से दूसरे को फर्क पड़ता है, ठीक है। एक जो कंफ्यूजिंग चीज है जो थोड़ा सा आपको अजीब साउंड करती है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये साउंड करता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह बट होता अलग, सो यहां पर एक बार देख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स दैट कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, इन अदर वर्ड्स इफ वन इवेंट अकर्स द अदर कैन नॉट, यही है, जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला तो दो इवेंट्स हैं, उसी फ्लिप में हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, अगर हेड आया तो टेल आ ही नहीं सकता, और अगर टेल आया तो हेड आ ही नहीं सकता, आपने एक डाई रोल किया, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपका या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, दोनों साथ में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, सो ए यूनियन बी इक्वल टू जीरो, एंड बिकॉज ऑफ दिस जब आप ए गिवन बी निकालने जाओगे तो वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये डेफिनेशन है, तो जब यही जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फॉर अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपका दोनों का इंटरसेक्शन विल बी जीरो, मतलब वेन डायग्राम में ऐसे दिखाई देंगे, कोई इंटरसेक्शन एरिया ही नहीं होगा, ठीक है, और ए गिवन बी वो भी जीरो होगा बिकॉज कोई इंटरसेक्शन एरिया ही नहीं है, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल आपको याद रखना है, दिस टेबल विल हेल्प यू, दिस टेबल विल हेल्प यू, एंड या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ओके तो चलो गाइस लेट्स डिस्कस बेस थ्योरम, ठीक है। सो बेस थ्योरम इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटिफुल सिग्निफिकेंट थ्योरम्स इन मैथमेटिक्स, जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने पढ़ा था कुछ क्लासेस पहले स्टेटिस्टिक्स में, जैसे उसको बहुत इज्जत मिलती है, सिमिलरली बेस थ्योरम को भी बहुत इज्जत मिलती है बिकॉज बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है और येट बहुत जगह पे एप्लीकेबल है, और मशीन लर्निंग में भी बहुत एप्लीकेबल, इनफैक्ट जो हम नेक्स्ट एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ही है नाइव बेस, वो इसी थ्योरम के ऊपर ही है, ठीक है। तो बेस थ्योरम जो है वो बेसिकली थॉमस बेस बोल के देर वॉज दिस गाय, एंड उन्होंने ये थ्योरम कॉइन किया था इन 1700s, मतलब 500 साल हो चुके हैं, बहुत पुराना थ्योरम है और बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है, मतलब अक्रॉस डोमेन्स आप देखोगे कि बेस थ्योरम यूज हो रहा है, इनफैक्ट यूट्यूब पे यू वुड फाइंड सर्टेन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन बेस थ्योरम, जो बहुत वियर्ड वियर्ड चीजों के लिए आप नोटिस करोगे कि बेस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, लाइक गेमिंग के लिए, गेमिंग नहीं वो कसिनो एंड ऑल को, गैम्बलिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए, और भी कुछ इंटरेस्टिंग डोमेन्स में आप देखोगे कि बेस थ्योरम बहुत यूज होता है। हम बेस थ्योरम को बहुत ही मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे बिकॉज हमारा जो गोल है वो मशीन लर्निंग पढ़ना है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप बेस थ्योरम अगर थोड़ा और डेप्थ में जाके पढ़ो तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है। जो भी है एक बार पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग में इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो
बेस थ्योरम इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू अपडेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन गिवन एविडेंस. इट्स यूज्ड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, स्टेटिस्टिक्स एंड गेम थ्योरी. द थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर थॉमस बेस हु इंट्रोड्यूस्ड एन अर्ली वर्जन ऑफ द रूल इन हिज वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी. Bayes' theorem provides a way to revise existing predictions or theories given new evidence. ठीक है, तो देखो अगर आप बहुत ऐसा हार्डकोर तरीके से मैथमेटिकल तरीके से बेस थ्योरम को पढ़ोगे तो इसमें काफी कुछ है पढ़ने के लिए और काफी कंफ्यूजिंग है. मैं आपको बहुत सिंपलिस्टिक वर्जन बताने वाला हूँ जो आपको मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो बेस थ्योरम ये है जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है. द फॉर्मूला इज दिस कि पी A given B is equal to probability of A multiplied by P B given A, उल्टा कर दिया, divided by P B. अब यहां पर इन सारे टर्म्स को एक नाम दिया गया है और इनके बारे में काफी पढ़ाई होती है. सो इसको बोला जाता है लाइकलीहुड, जो अभी किसी ने बोला भी था. इसको बोला जाता है प्रायर और इसको बोला जाता है मार्जिनल, या कुछ जगहों पे आप इसको एविडेंस भी पढ़ोगे, एविडेंस भी बोला जाता है. ठीक है, और इन सारे टर्म्स का एक मीनिंग है. जब आप प्रॉपर हार्डकोर तरीके से बेस थ्योरम पढ़ोगे तो यू वुड फाइंड कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है. फॉर अस एज डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टर्म्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो आपको बेसिकली फॉर्मूले पे फोकस करना है. फॉर्मूला बोल रहा है कि ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें करके दिखाऊंगा. पहले मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, और फिर मैं आपको मशीन लर्निंग से इसका कनेक्शन ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि मशीन लर्निंग में आप बेस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करते हो. ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है एंड दैट इज वाई इतना एलिगेंट है ये थ्योरम, कि बहुत आसानी से निकल जाता है. ये निकल के आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से. इसका जो प्रूफ है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में छुपा हुआ है. सो अगर आपको याद होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यहां से आप बेस थ्योरम निकाल सकते हो. कैसे? बहुत सिंपल है. लेट्स से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकाले. इन दैट केस आप इसको लिखोगे बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, ठीक उल्टा कर दिया. अब आपको भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of B given A multiplied by P A. इसको यहां ले गए. ठीक है, अब हम इसको यहां पे replace कर देंगे. और जैसे आप इसको यहां पे replace करोगे, यहां पे आ जाएगा probability of B given A multiplied by probability of A divided by probability of B. And that's it. This is your Bayes' theorem. This is your Bayes' theorem. That's it. बस दो स्टेप में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से Bayes' theorem एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, अब यहां पे मेन सवाल आता है कि मशीन लर्निंग में आप इसको कैसे यूज करते हो या क्या काम हो सकता है इसका. तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका यूसेज. मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बाकी हम लोग जब नाइव बेस पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मान लो कि हमारे पास मान लो दो कॉलम्स हैं. हमारे पास जेंडर का डेटा है, हमारे पास सर्वाइव्ड का डेटा है कि वो पैसेंजर बचा या मर गया. ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है, मान लो 5 ही पैसेंजर्स हैं. तो मेल है, फीमेल है, फीमेल है और एक और मेल है. ये वाला मेल मर गया, ये वाला मेल मर गया, ये वाला फीमेल बच गई, ये मर गई और ये वाला मेल
बच गया, दिस इज द डेटा, एकदम ही सिंपल डेटा है, ठीक है। और आपको लेट से बोला जा रहा है कि इस डेटा के बेसिस पे आपको ये बताना है कि अगर एक नया मेल है, मतलब एक क्वेरी पॉइंट है जो मेल है, तो बताओ ये बचेगा या मरेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो कि आपको बोला जा रहा है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मेल डाइंग गिवन ही इज अ मेल, यही तो आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम सर्वाइविंग गिवन ही इज अ मेल, ये निकालने को बोला जा रहा है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये निकालने के लिए आप बेस थ्योरम लगा सकते हो। बेस थ्योरम क्या बोलता है, ए गिवन बी निकालने के लिए आप बी गिवन ए निकालते हो, ए से मल्टीप्लाई करते हो और बी से डिवाइड करते हो, राइट। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहां पुट कर दें तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन जीरो इन आवर डेटा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल डाइंग इन आवर डेटा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इन आवर डेटा। एंड द गुड पार्ट इज कि ये तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटीज आप इस डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये निकाल के, ये क्या पूछ रहा है, दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल डाइंग। सो टोटल हमारे पास पांच लोग हैं, उसमें से तीन मर गए, तो ये क्या है 3/5। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्या बोल रहा है, 3/5, ये भी 3/5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एम गिवन जीरो मतलब जितने लोग मर गए उनमें से मेल कितने थे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे और इसको लेंगे और इन तीन रिड्यूस सैंपल स्पेस में देखेंगे मेल्स कितने। यू कैन सी दो मेल्स हैं आउट ऑफ थ्री, तो ये क्या बता रहा है 2/3। तो बेसिकली ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2/3। सो बेसिकली हमने जस्ट कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग गिवन मेल बेस्ड ऑन दिस डेटा और हमने निकाल दिया। सिमिलरली हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग गिवन मेल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल अभी हमने जस्ट निकाला 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइविंग क्या है 2/5 और मेल गिवन वन क्या है, दो जगह हैं जहां पे बचे हैं लोग, उनमें से एक फीमेल है एक मेल है, तो ये 1/2 हो गया। तो ये निकल के आया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5। ये टू कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग गिवन मेल आया 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग गिवन मेल आया 1/3। तो सिंस 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, आई कैन से कि इस बंदे का मरने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन बचने का प्रोबेबिलिटी, सो आई कैन से कि ये मर जाएगा बिकॉज ही इज अ मेल। और ये हमने निकाला कैसे, ये हमने निकाला यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग में बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हो। हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ एक इनपुट कॉलम के लिए पढ़ा, नेक्स्ट जब हम लोग नाइव बेस पढ़ेंगे वी विल डू द सेम लॉजिक बेस्ड ऑन मल्टीपल इनपुट कॉलम्स एंड यू वुड सी वहां पर बेस थ्योरम अप्लाई हो रहा है और इस फॉर्मूले के थ्रू वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट सच प्रोबेबिलिटीज और उन प्रोबेबिलिटीज के थ्रू वी आर एबल टू टेल कि व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू यूज बेस थ्योरम इन मशीन लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा अगेन मैंने आपको जैसा बोला इट इज अ फंडामेंटल थ्योरम इन मशीन लर्निंग, आई एम सॉरी मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा आप रिसर्च करना पढ़ना इसके बारे में, एक पूरा ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स है जो इस थ्योरम से निकल के आया जिसको हम बेजियन स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, जो आपको मैंने पढ़ाया भी था, पढ़ाया नहीं था बताया था जब हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे थे, वो पूरा का पूरा यहीं से निकल के आता है। तो ट्रस्ट मी दिस इज लाइक द ओरिजिन ऑफ अ वेरी वेरी पावरफुल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आप थोड़ा इस डायरेक्शन में जाके पढ़ना वढ़ना चाहो तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। सो या दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन टू बेस थ्योरम, ठीक है। एंड या विद दैट हमने एक कंप्लीट क्रैश कोर्स
कंप्लीट किया प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आई फील कि ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो प्रोबेबिलिटी की जो भी चीज़ें मशीन लर्निंग में आपको दिखाई देंगी तो आप एटलीस्ट अच्छे से समझ पाओगे कि चल क्या रहा है। अदरवाइज हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट ब्रशअप नहीं है। ठीक है, तो दैट वॉज द गोल। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। सो या दैट वॉज द सेशन गाइज। कमेंट्स में लिख के बताना आपको कैसा लगा। क्या ये दोनों सेशंस देखने के बाद आपको फ़ायदा हुआ? क्या आप प्रोबेबिलिटी में थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या नहीं? ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।